हे एवरीवन, दिस इज विवेक फ्रॉम एमईसीटी स्टूडेंट सेंटर 495। तो स्वागत है हम लोग हमारे शो में टू टू टॉक्स बाय 95। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम चेन्नई में बीएससी नॉटिकल साइंस और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की कट ऑफ क्या रही है प्रीवियस ईयर्स में, और 2020 में उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले बता देना चाहूँ, आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यूजी कोर्सेज को, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को, और उसमें से भी सिर्फ दो कोर्सेज, DNS और BSc नॉटिकल साइंस। BTech को बात के छोड़ देंगे, ठीक है भाई। तो बता देते हैं सबका सीट मैट्रिक्स एक बार, यूजी कोर्सेज का, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का सीट मैट्रिक्स। तीन अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, BTech, BSc नॉटिकल साइंस और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो BTech की 80 सीटें हैं, 40 जनरल की हैं, 22 OBC की हैं, 12 ST की हैं और 6 ST की हैं। सेम DNS का है, DNS की 80 सीटें, 40 जनरल, 22 OBC, 12 ST, 6 ST की हैं, और फिर 40 BSc नॉटिकल साइंस की हैं, 20 जनरल की हैं, 11 OBC की हैं, 6 ST की हैं और 3 ST की हैं। तो ये तो रहा सीट मैट्रिक्स भाई। अब आते हैं फटाक से कट ऑफ पे। कट ऑफ किसकी स्टार्ट करेंगे? 2016 से। तो 2016 से पहले आपको पता है बहुत कम बच्चे MECT देते थे। 2016 के आसपास लोगों ने 30 से 35 हज़ार लोगों ने MECT अवगर देना चालू कर देता। तो सर BSc नॉटिकल साइंस में जो लोग एडमिशन लेने जाते जनरल कैटेगरी में 377 रैंक से ओपन किया गया था और क्लोज किया गया था 1856 पे, 1856 पे। OBC में 1561 पे ओपन किया गया था और क्लोज किया गया था 3131 पे, तो 3131 पे। SC में ओपन किया गया था 4506 पे और क्लोज किया गया था 11896 पर। ST में 12147 पे ओपन किया गया था और 16265 पर क्लोज किया गया था। तो जनरल कैटेगरी में लगभग 400 रैंक से 1800 रैंक तक गया था। OBC में 1600 से लेकर 3000 तक गया था। ST में 4500 से 11-12 हज़ार तक गया था और ST में 12000 से लेकर 16200 तक गया था। तो DNS पे आते हैं। DNS में जनरल कैटेगरी में 873 पे, 873 पे ओपन किया गया था, 3194 पर क्लोज किया गया था। OBC की बात करते हैं, 3273 पे ओपन किया गया था और 4541 पे क्लोज किया गया था। SC की बात करते हैं तो भाई 8938 पे ओपन किया गया था, 14254 पर क्लोज किया गया था। ST की बात करते हैं, 1843 पे ओपन किया गया था और 16029 पे क्लोज किया गया था उस साल। लगभग DNS में 850 से लेकर 3200 के बीच में सारे बच्चे आ गए, 3200 से लेकर 4500 के बीच में सारे OBC आ गए और 8938 से लेके 14254 तक ST आ गए हैं अपने, और ST आ गए हैं 16000 से लेके 1650 तक। लगभग कितने में ही सब सेटल हो गया, 2016 की ये बात हो गई। तो आते हैं 2017 में भाई, स्टार्ट करते हैं BSc नॉटिकल साइंस से। तो BSc नॉटिकल साइंस में 595 रैंक से ओपन किया गया था, 3010 पे क्लोज किया गया था। OBC में 2104 पे ओपन किया गया था, 6647 पे क्लोज किया गया था। SC में 5365 से ओपन किया गया था और क्लोज किया गया था 16644 पे, तो 16644 पे। ST में 12826 पे ओपन किया गया था और 17565 पे क्लोज किया गया था। DNS में 438 पे ओपन हुआ था और 3666 पे क्लोज हुआ था। OBC में ओपन किया गया था 4457 पे और क्लोज किया गया था 7526 पे। SC में ओपन किया गया था 5392 से और क्लोज किया गया था 17246 पे। ST में ओपन किया गया था 12226 पे और क्लोज किया गया था 17110 पे। तो एक आपको आइडिया लग गया है दोनों प्रोग्राम्स का भाई, BSc में क्या क्या हुआ था, DNS में कैसे कैसे हुआ था। तो एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। BSc में लगभग 600 से लेकर 3000 रुपये थी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के, और DNS में 430 से लेकर 3500 तक। OBC की गई थी 2100 से लेकर 6500 तक। DNS में गई थी 4500 से लेकर 7500 तक। BSc में गई थी SC की कट ऑफ 5000 से लेकर 16000 तक। DNS में गई थी 5000 से लेकर 17000 तक। BSc में आपकी गई थी ST की कट ऑफ 12500 से लेकर 17500 तक। DNS में गई थी 12500 से 17000 तक। तो ओवरव्यू मिल गया 2017 का आप लोगों को। 2018 का डेटा मेरे को इंटरनेट पर मिला नहीं है, किसी को मिले तो DM कर मेरे को इंस्टाग्राम पे। तो डिस्कस करते हैं भाई 2019 का डेटा, ठीक है।
2019 में क्या था, बीएससी के लिए 2019 में जनरल कैटेगरी में 407 से किसी ने ओपन किया था और किसी ने 4697 पे क्लोज किया था। वही डीएनएस में 852 पे ओपन किया गया था, 5255 पे क्लोज किया गया था। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि नया रिजर्वेशन आया इंडिया में, उसमें 753 पे किसी ने ओपन किया था, 4776 पे क्लोज किया गया था बीएससी नॉटिकल साइंस को। और डीएनएस प्रोग्राम में 1818 पे ओपन किया गया था और 5772 पे क्लोज किया गया था, ये था डीएनएस के लिए। और बीसी में बीएससी के लिए 1502 है, मतलब 1502 रैंक पे ओपन किया गया था और 6517 पे क्लोज किया गया था। वहीं डीएनएस प्रोग्राम में 7019 रैंक पे ओपन किया गया था और क्लोज किया गया था 7273 पर। एससी के लिए है वही चीज, 4719 पे ओपन किया गया था बीएससी नॉटिकल साइंस को और क्लोज किया गया था 12347 पे। डीएनएस प्रोग्राम में जबकि 5476 पे ओपन किया गया था और क्लोज किया गया था 12130 पे। एसटी के लिए बीएससी में 7023 रैंक पे ओपन किया गया था और लगभग 14132 रैंक पे क्लोज किया गया था। डीएनएस प्रोग्राम के लिए 7493 पे ओपन किया गया था और क्लोज किया गया था 14819 पे। तो डिस्कस कर रहे थे भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 कि मतलब 2020 में कितनी कट ऑफ जाएगी आईएमयू चेन्नई की डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में लगभग 2500 रैंक जिसकी आएगी वो सिक्योर है, उसे एक सीट मिल जाएगी बीएससी नॉटिकल लाइन में। और यही चीज़ 3500 रैंक पे उसे डीएनएस प्रोग्राम मिल जाएगा। ओबीसी में 4500 रैंक पे बीएससी और 5000 रैंक पे डीएनएस। ईडब्ल्यूएस में 4000 पे बीएससी, 5000 पे डीएनएस। एससी में 8000 में बीएससी, 12000 में डीएनएस। एसटी में 14000 पे बीएससी, 15000 पे डीएनएस मिल जाएगा। तो इस वीडियो का भाई टारगेट है 10 लाइक्स। अगर 10 लाइक्स आपको आएंगे तो आईएमयू चेन्नई में जो मरीन इंजीनियरिंग की 2019 में कट ऑफ गई थी उस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। तो भाई जो भी आईएमयू सीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, आईएमयू सीटी से रिलेटेड कोई बात जानना चाहते हैं, आईएमयू सीटी एस्पिरेंट सेंटर्स को नाइन पर हमारा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो फिर वहाँ पर जाके और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आईएमयू सीटी एस्पिरेंट सेंटर्स को नाइन पर साइनिंग ऑफ।